वेलकम बैक जनाब, और विदाउट एनी डिले हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी शालीन इफ्तिखार, जो कि फैशन डिजाइनर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, और उसके साथ साथ आदिल अकील ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए। सबसे पहले तो शालीन, आपकी जानेब आएंगे, कब से आपने तो अभी ग्रेजुएशन की है एमसीए से, कब से फैशन डिजाइनिंग का शौक हुआ? और उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग का शौक तो काफ़ी देर से था, लेकिन ये कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मैं कपड़े डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिए थे व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स। ओके, ए लेवल से आई यूज्ड टू मेक क्लोथ अपनी दोस्तों के लिए, फिर वहाँ से शौक ज़्यादा बिल्डअप होता गया। हाँ, जब आपको किसी ने इनकरेज किया हो, तारीफ की हो, तो आई थिंक एस्थेटिक सेंस शुरू से अच्छी थी, तो उसको यूज़ किया मैंने सोशल मीडिया पर। मैंने आई स्टार्टेड माई ब्रांड, बट फिर मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते, लेकिन उससे पहले आई हैड टू लर्न। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने वो सीखने के प्रोसेस, टेक्निकलिटीज आपको आनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है मार्केट में कि यू हैव टू डू समथिंग टू स्टैंड आउट। अच्छा, वेस्टर्न, ईस्टर्न या फ्यूजन? आई थिंक फ्यूजन में मैं ज़्यादातर जाती हूँ। तो रिस्पॉन्स कैसे है अभी ऑनलाइन ब्रांड रन कर रही हो तो? रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं एज अ स्टाइलिस्ट भी काम कर रही हूँ टीवीसीज में, शॉर्ट फिल्म में और टीवी चैनल्स वगैरह के साथ, तो अभी तक रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं जब तक सीखूंगी नहीं, मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे अभी तक नहीं लेकर जाऊंगी। जब सीखूंगी, जब कुछ बन जाऊंगी, तो इंशाल्लाह हैवी लॉन्च करूंगी अपने। अच्छा, घर पे भी वुमन प्रैक्टिस होती है ना, बहन के कपड़े बना दिए, कजिन के बना दिए, तो आपको वैसे भी आइडियाज़ आते हैं, तो कहाँ से आपको एक होते हैं ना इंस्पिरेशन, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, क्या चीज़ें ऐसी? वेल, इंस्पिरेशन एज सच किसी स्पेसिफिक डिज़ाइनर को मैं फॉलो नहीं करती, बट सिंस मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करती हूँ, मैं सबके छोटे छोटे एलिमेंट्स जो मुझे पसंद आते हैं, मैं उनको मिक्स एंड मैच करती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई तो आई डिज़ाइन क्लोथ्स और ये वो, तो मैं हेल्प वगैरह करती हूँ। आई थिंक इसी तरह मैं काफ़ी चीज़ों से इंस्पायर होती हूँ, पाकिस्तानी डिज़ाइनर से बहुत इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप सही हैं वहीं पर। हाँ, तो अपने ही लोगों के लिए बनाना है इवेंचुअली, लेकिन हाँ, बाहर के लोगों से इंस्पायर होकर अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करना, दैट इज़ व्हाट आई डू मेनली। जबरदस्त जबरदस्त, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है, हम आपसे जानना चाहेंगे कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, क्या सुनाने वाले हैं आप? मैंने वो कवर सॉन्ग किया था, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अरिजीत सिंह का। जरूर जरूर, आप सुन। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को, हंसना या रोना है मुझे पागल,
मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक एक मैसेज आप दोनों से लेंगे, क्या मैसेज देना चाहोगी यंग आर्टिस्ट को? यंग आर्टिस्ट को मैं यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी ग्रूमिंग करें। आई थिंक जितना आप ज़्यादा लोगों के अंडर काम करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे, फिर उसके बाद इवेंचुअली आप आगे जाएंगे। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग, वो एक्सपोजर। और अगर आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल जी रब्ता करें, बहुत अच्छी चैलेंज भी होंगे। आपकी जानिब से क्या मैसेज? मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब की लाइफ हमारे लिए जबरदस्त है, तो कीप स्ट्रगलिंग इंशाल्लाह। He's a PTA supporter. Thank you so much for coming. I wish you very best of luck. और जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फेसबुक पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।